हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चित्रकूट में लगा था गदन को ऐतिहासिक मिला औरंगजेब ने तई से खरीदे थे खच्चर। आप सवाई जनन ने बचपन में मेला तो बहुत देखी हुई है, सुने हुई है और घूमे भी हुई है, लेकिन क्या आपने कभी गदन को मेला देखो है? जी हाँ, भले ही आप ये मेला के बारे में पहली बार सुन रहे हो, लेकिन भारत को इकलौता गदन को मेला धार्मिक नगरी चित्रकूट में कई वर्षों से लगा चलो आ रहा है। इतने अलग अलग प्रदेशों से व्यापारी आलिशान खच्चर गधा लेके चित्रकूट पहुंचते हैं और इतने खच्चर गधन की बोली लगाई जात। इतने खरीदारन के संगे संगे मेला घूमने वालन की भी भारी भीड़ भाड़ रात है। बता रहे कि ये मेला की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाई थी, तब से लेके आज तक मेला लगातार है। जो मेला 3 दिन तक लगा है, लोगन को दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब की सेना में जब रसद और असलहा ढोबे वालन में कमी हो गई, तो पूरे क्षेत्र से खच्चर और गधा के मालिकन का यही मैदान में एकत्रित करके उनके गधा खरीदे गए थे। तब ऐसे प्रारंभ भाव जो व्यापार इको सिलसिला हर वर्ष लगत चलो आ रहा है। देश को इकलौता अनोखो मेला का केवल देख बिखलाने लोग दूर से आउत है और दीपावली के दूसरे दिन से चित्रकूट के पावन पवित्र मंदाकिनी नदी के तट पे 3 दिवसीय मेला आयोजित होते। मेला में काफी दूर दूर से लोग अपने खच्चर गधा लेके आउत है और खरीद बिक्री करते हैं। उते 3 दिन के मेला में लाखन को कारोबार करो जाते हैं और इतने गधा खच्चर खरीदारन के अलावा इका देखने वालन की काफी भीड़ उमड़त है। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में लोग आधुनिकता की ओर बढ़त चले जा रहे हैं, लेकिन आज भी सालन पुरानी जब परंपरा चित्रकूट में बखूबी चली आ रही है। ये मेला में गधा और खच्चरन की कीमत हजारन लाखन रुपये तक बोली जाते हैं और व्यापारी तो अपने गधन के नाम फिल्मी स्टारन के नाम में रखते हैं। हालांकि मुगल काल से प्रारंभ भाव जो मेला अब सुविधान के अभाव में कम हो जा रहा, लेकिन विरासत का संजो के रखने वाले आज भी मेला को आयोजन करत आ रहे हैं। फिलहाल की खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरें जानबे के लाने चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता चित्रकूट से प्रदीप गुप्ता की। तो ऐसे ही खबरें जानबे के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।